पहुंचे, आखिर क्या चल रहा है आपके स्कूलों में? वो प्रिंसिपल्स जो कहते थे कि हम हमेशा आपके साथ हैं, हमारा स्कूल तो गेस्ट टीचर्स के बिना चल ही नहीं सकता, काफ़ी काम करते हमारे गेस्ट टीचर्स, वो स्टाफ परमानेंट स्टाफ जो कहते थे कि हम गेस्ट और परमानेंट का भेद नहीं रखते, जो कहते थे कि हम हमेशा साथ हैं, एक हैं, वो आखिर आज कैसे अलग हो गए? अब बताइए, फंड की अगर प्रॉब्लम होगी तो हर डिस्ट्रिक्ट, हर जोन, हर स्कूल में तो होनी चाहिए ना, ये पार्टिकुलर किसी 1, 2, 4, 5, 8, 10 स्कूलों में तो नहीं होना चाहिए था। दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम, स्वयं शिक्षा मंत्री जी गेस्ट टीचर्स के वैल्यू को स्वीकारते हैं, उनके अस्तित्व को, उनकी सराहना करते हैं, तारीफ करते हैं, और समय समय पर शिक्षा मंत्री जी ने की भी है, समर कैंप के दौरान हो, मिशन बुनियाद के दौरान हो, रिजल्ट के दौरान हो, या रिमेडियल क्लास के दौरान हो, डिफरेंट टाइप के स्टेजेस में, टाइम में गेस्ट टीचर्स की तारीफ की, उनकी वैल्यू को स्वीकारा है शिक्षा मंत्री जी ने। फिर आज अचानक ऐसा क्या हो गया है जहां पर कि शिक्षा मंत्री जी कहा करते थे कि गेस्ट टीचर्स हमारे बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं गेस्ट टीचर्स के साथ खड़ा रहूंगा, रहता हूं और हमेशा रहूंगा, आज क्या हो गया है? क्या ये बातें शिक्षा मंत्री जी को पता नहीं है, उन्हें आभास नहीं है? अगर नहीं है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि शिक्षा मंत्री जी तक पहुँचे, आखिर क्या चल रहा है आपके स्कूलों में? वो प्रिंसिपल्स जो कहते थे कि हम हमेशा आपके साथ हैं, हमारा स्कूल तो गेस्ट टीचर्स के बिना चल ही नहीं सकता, काफ़ी काम करते हैं हमारे गेस्ट टीचर्स, वो स्टाफ परमानेंट स्टाफ जो कहते थे कि हम गेस्ट और परमानेंट का भेद नहीं रखते, जो कहते थे कि हम हमेशा साथ हैं, एक हैं, वो आखिर आज कैसे अलग हो गए? बात जब कोरोना काल की आती है तो फंड की प्रॉब्लम का लॉजिक दिया जाता है, प्रिंसिपल्स देते हैं, स्टाफ देता है, डिपार्टमेंट देता है, आखिर फंड की प्रॉब्लम से सिर्फ क्या गेस्ट टीचर जूझेगा? क्या गरीब आदमी ही उस फंड की प्रॉब्लम की मार झेलेगा? क्योंकि उच्च वर्ग का मतलब यहाँ पर मैं परमानेंट स्टाफ की बात करूँगा जरूर, क्योंकि इससे दुखद घड़ी में साथ होना चाहिए था, लेकिन साथ छोड़ दिया है। एक सर्कुलर आता है डिपार्टमेंट की तरफ से, उससे पहले सिसोदिया जी, शिक्षा मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि मैं गेस्ट टीचर्स के साथ हूँ, यानी कि गेस्ट टीचर्स के बिना काम नहीं चलेगा, ऑनलाइन क्लासेस में गेस्ट टीचर्स को इन्वॉल्व किया जाए। तो फिर आखिर वो सर्कुलर क्यों तोड़ा मरोड़ा गया? सर्कुलर जो था वो बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन प्रिंसिपल डिफरेंट ट्रीट करने लगे। एक सर्कुलर आता है तो सभी एक ही जैसी तो बातें करनी चाहिए थी। किसी स्कूल में कहा जाता है वहाँ पर योगा पीटी संस्कृत के टीचर्स को भी ज्वाइन करा लिया जाता है, और कई स्कूल कहते हैं फंड की प्रॉब्लम है। अब बताइए, फंड की अगर प्रॉब्लम होगी तो हर डिस्ट्रिक्ट, हर जोन, हर स्कूल में तो होनी चाहिए ना, ये पार्टिकुलर किसी 1, 2, 4, 5, 8, 10 स्कूलों में तो नहीं होना चाहिए था। और 10, 12, 15 टीचर्स को अगर रोक लिया जाए तो उनके फंड से कितना बचेगा? हम तो ये कहते हैं कि गेस्ट टीचर्स तो आज कोऑपरेशन के लिए तैयार हैं, आधी सैलरी अगर दी जाती है तो भी करने के लिए रेडी है, क्यों? क्योंकि परिवार चलेगा। फिर आखिर अचानक से ये लॉजिक दे दिया जाता है, फंड नहीं है। वो प्रिंसिपल जो हमेशा कहा करते थे कि हम साथ हैं, हमारा काम आप ही से चलता है, जो परमानेंट स्टाफ हमेशा एक की बात करते थे, एकजुट की बात करते थे, एक हैं की बात करते थे, आज वो अचानक से 2-2 क्लास टीचरशिप लेने के लिए रेडी हो गए हैं, आखिर क्यों? आपसे एक सवाल है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, विनती है, इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिए, और इस वीडियो को आप हर एक प्रिंसिपल तक पहुंचाइए, हर एक स्टाफ, परमानेंट स्टाफ तक पहुंचाइए जो कोऑपरेशन की बात किया करते थे। किसी स्कूल में अगर एक डिपार्टमेंट से सर्कुलर आया फंड की प्रॉब्लम, माना हम ये कहेंगे कई स्कूल लोग फंड की प्रॉब्लम की बात करते हैं, कई स्कूल कहते हैं कि डिपार्टमेंट से, अंदर से, ईओ से वगैरह वगैरह से उनको कॉल आया है कि कम गेस्ट टीचर्स को लिया जाए, तो मैं ये कहूँगा कि जिन स्कूलों में सभी को ले लिया गया है, क्या ये ऑर्डर उनके लिए नहीं आया? क्या वहाँ पर फंड की प्रॉब्लम नहीं हुई होगी? क्या वहाँ पर ये नहीं कहा गया होगा कि कम से कम गेस्ट टीचर्स को लो? कई स्कूलों में तो ये कहा गया, किसी को लिया ही नहीं गया, कहा कि परमानेंट स्टाफ से काम चलाओ। तो मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गेस्ट टीचर हैं, क्या वहाँ नहीं कहा होगा परमानेंट से स्टाफ चलाओ, वहाँ से काम चलाओ? आखिर ये अंतर क्यों किया गया, कहाँ से अंतर हुआ है, और आखिर ये गोलमाल किसने किया है? खैर, ऊपर वाला तो माफ नहीं करेगा, किसी के पेट में अगर लात मारोगे, किसी के मुंह से निवाला छीनोगे, तो ऊपर वाला आपको ऐसा पटकेगा और ऐसे आपके मुंह से निवाला छीनेगा। मैं कुछ नहीं कह सकता फिलहाल यहाँ पर, क्योंकि अंतरात्मा जब दुखी होती है तो वहाँ से आवाज़ जरूर निकलती है, और कहते हैं कि दुर्बल को न सताइए जाके मोटी हाय, और मुई खाल की श्वास से सार भस्म हो जाए। जब कमजोर आदमी को सताया जाता है ना, तो लोहा भी भस्म हो जाता है। ऊपर वाला सब देखता है, हाँ बस नीचे वालों ने पता नहीं क्यों आंखें बंद कर रखी हैं। बस जरूर आप रिप्लाई जरूर कीजिए,
और अगर आप कोऑपरेशन यहाँ पर सहयोग की बात, कोरोना काल में ही तो लोग यहाँ पर पराए अपने दिखे, लेकिन यहाँ पर इस दौरान तो सबके मुखौटे उतर गए, चेहरों से पर्दा हट गया। जो कहते थे कि आप स्पेशल हैं, आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं, हार्ड वर्क करते हैं, आप डेडिकेटेड हैं, वो कहाँ गए आज वो लोग जो इस तरह के एक पॉलिश मारा करते थे। आज जरूरत थी कोरोना काल में सहयोग की, सपोर्ट की, लेकिन आपने ऐसे अलग कर दिया। जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, शिक्षा मंत्री जी तक पहुँचाइए, और अगर आप आम आदमी हैं तो आम आदमी को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि आखिर क्या चल रहा है और ये क्यों चल रहा है, इसे कौन चला रहा है, जरूर सुझाव दीजिए।